SSD और HDD ये दोनों ही स्टोरेज डिवाइस है। इन दोनों को हम अपने कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए काम में लेते हैं, लेकिन इन दोनों के फंक्शनिंग में कई बहुत ज़्यादा फर्क है। तो अगर आप इनके डिफरेंस को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो एंथुजिस्ट, वेलकम टू द वीटेक एंथुजिस्ट यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे SSD वर्सेस HDD। SSD और HDD के डिफरेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे हेलीकॉप्टर और बस का। जैसे कि हेलीकॉप्टर और बस दोनों ही ट्रैवलिंग के काम में आते हैं, उसी तरह SSD और HDD दोनों ही स्टोरेज के लिए काम में आते हैं, लेकिन दोनों के फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो SSD और HDD में सबसे इम्पोर्टेंट फर्क आता है वो है उनके स्पीड का। जैसे कि हेलीकॉप्टर का स्पीड बस से काफ़ी ज़्यादा होता है, उसी तरह एक SSD का स्पीड हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। एक SSD का रीड और राइट स्पीड हार्ड डिस्क के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा तेज होता है। हार्ड डिस्क का स्पीड होता है करीब 200 से 300 MB पर सेकंड, वहाँ पर SSD का स्पीड होता है 700 MB पर सेकंड। यानी स्पीड के मामले में SSD हार्ड डिस्क से काफ़ी ज़्यादा आगे है। SSD और HDD में दूसरा मेजर डिफरेंट आता है उनके स्टोरेज कैपेसिटी का। जैसे कि एक बस हेलीकॉप्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लोगों को ट्रैवल एक साथ करा सकती है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर में ज़्यादा लोगों को हम एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। उसी तरह एक HDD SSD के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर सकती है डेटा को। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी SSD के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। हमें हार्ड डिस्क में 1 TB से 8 TB तक के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन एक SSD में हमें 120 से 500 GB तक के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो स्टोरेज के मामले में हार्ड डिस्क SSD से आगे है। अब बात करते हैं दोनों के प्राइस की। तो जैसे कि हेलीकॉप्टर की प्राइस बस से काफ़ी ज़्यादा होती है, उसी तरह एक SSD की प्राइस एक हार्ड डिस्क से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप डेस्कटॉप के लिए एक हार्ड डिस्क खरीदने जाओ तो आपको 3 से 3,500 के बीच में 1 TB तक की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, लेकिन अगर आप SSD की बात करें तो उसी प्राइस में आपको सिर्फ 120 GB तक की SSD ही मिल जाएगी। लेकिन आजकल SSD के प्राइस काफ़ी कम हो चुके हैं। अगर मैं कुछ महीने पहले की बात करूँ तो SSD के प्राइस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते थे। हमें SSD के लिए करीब 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, लेकिन आजकल SSD हमें 3,000 के नीचे वाले प्राइस में भी अवेलेबल होती है। तो प्राइस के मामले में हार्ड डिस्क ज़्यादा सस्ती होती है SSD के मुकाबले। अब बात करते हैं SSD और HDD के दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर का। पहले हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर मैकेनिकल और मूवेबल पार्ट लगे होते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क लगी होती है जो बार बार घूमती रहती है। ये रोटेटिंग डिस्क 1 मिनट में कितनी बार घूमती है उसे हम RPM कहते हैं। उस डिस्क के साथ एक आर्म लगा होता है। उस आर्म के हेड में एक रीड राइट रेजर लगा होता है जो इस डिस्क के ऊपर लिखे हुए डाटा को रीड और राइट करता है। तो इस तरह से हार्ड डिस्क के अंदर मूवेबल पार्ट लगे होते हैं। अगर SSD की बात करें तो उसके अंदर कोई भी मूवेबल या मैकेनिकल पार्ट नहीं लगा होता। उसके अंदर एक PCB पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं और चिप्स बिल्कुल मेमोरी कार्ड की तरह होते हैं। SSD के अंदर कोई भी मूवेबल या फिर मैकेनिकल पार्ट नहीं लगा है, इस वजह से उसकी साइज काफ़ी कम होती है और वो काफ़ी हल्की भी होती है। अब बात करते हैं SSD और HDD के पावर कंजम्पशन की। जाहिर सी बात है हार्ड डिस्क के अंदर मैकेनिकल मूवेबल पार्ट लगे होते हैं, उसके अंदर के डिस्क को तेज़ी से घूमना पड़ता है। इस वजह से हार्ड डिस्क SSD के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावर को कंजम्प करती है, लेकिन SSD हार्ड डिस्क के मुकाबले काफ़ी कम पावर पर भी चल जाती है। डेस्कटॉप के अंदर पावर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो SSD वाले लैपटॉप की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी एक हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप से। तो अगर आप अच्छे बजट में कोई लैपटॉप ले रहे हो तो SSD वाला लैपटॉप ही लीजिए। आप ऐसा लैपटॉप भी ले सकते हो जिसमें SSD और HDD ये दोनों ही आते हो। अब हम एक तीसरे स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं SSHD, यानी सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। SSD और HDD की एक कंबाइन कॉम्बिनेशन है। SSHD के अंदर हार्ड डिस्क के तरह रोटेटिंग डिस्क और मूवेबल पार्ट भी लगे होते हैं, और साथ ही साथ SSD के तरह वो चिप्स भी लगे होते हैं। यानी SSHD का एक हिस्सा हार्ड डिस्क की तरह काम करता है और एक हिस्सा सॉलिड स्टेट ड्राइव की तरह काम करता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में एक SSHD लेते हो
और जैसे इसे किस कुछ समय तक इस्तेमाल करते रहते हो तो उस SSD का एल्गोरिदम ये समझ लेगा कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और कौन कौन से को कम इस्तेमाल करते हो। आप जिन जिन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उन चीज़ों को वो अपने SSD वाले पार्ट में सेव कर लेगा और जिन चीज़ों को आप कम इस्तेमाल करते हो उन्हें हार्ड डिस्क में इस्तेमाल कर लेगा। तो इस वजह से आपको जिन चीज़ों की जिस डेटा की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो आपको तेज़ी से अवेलेबल हो जाता है। अब हम SSD के एक और टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है M.2 SSD। हमारी नॉर्मल SATA SSD वो तो तेज़ होती है लेकिन M.2 SSD उस SSD से भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जहाँ पर SSD का स्पीड हमें 700 MB पर सेकंड मिल जाता है वहाँ पर हमें M.2 SSD का स्पीड हमें 2000 से 3000 MB पर सेकंड तक मिल जाता है। तो आप सोच सकते हो कि M.2 SSD SSD से कितनी ज़्यादा फास्ट होती है। और जहाँ पर हमारी SSD SATA कनेक्टर से हमारे डेस्कटॉप को कनेक्ट होती है M.2 SSD सीधा हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है PCI स्लॉट की मदद से जिसका स्पीड काफ़ी तेज होता है एक SATA के मुकाबले। अब हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर में SSD होने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले फायदा होता है स्टार्टिंग टाइम। हम जैसे कोई हार्ड डिस्क वाला कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसे बटन को प्रेस करने से लेकर इस्तेमाल करने के लिए रेडी होने तक कुछ समय लग जाता है, लेकिन एक SSD वाले लैपटॉप को आप स्टार्ट करते हो तो काफ़ी जल्द से इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा। दूसरा फायदा है न्यू विंडोज़ इंस्टॉलेशन। जब भी हम हार्ड डिस्क पर एक नई विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लेती है इंस्टॉल होने में, लेकिन अगर आप SSD पर एक नई विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हो तो काफ़ी जल्दी हो जाएगी। SSD होने का एक और फायदा है कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन होने में काफ़ी तेज़ी से ओपन हो जाता है। आपने देखा होगा हार्ड डिस्क वाले कंप्यूटर पर हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसे ओपन होने में कुछ टाइम लग जाता है। कुछ हेवी वाले सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, एडोब आफ्टर इफेक्ट, इन तरह के सॉफ्टवेयर को ओपन होने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन आप इसे SSD वाले लैपटॉप में ओपन करते हो तो वो काफ़ी तेज़ी से ओपन हो जाते हैं। जैसे आप क्लिक करते हो विंडोज़ आपके सामने ओपन हो जाती है। अब बात करते हैं SSD का गेमिंग में क्या फ़ायदा है। तो अगर आप कोई भी गेम SSD के अंदर इंस्टॉल करते हो तो उसका जो लोडिंग टाइम है कोई भी गेम स्टार्ट होने में या फिर कोई भी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने में जो लोडिंग टाइम होता है वो पूरी तरह गायब ही हो जाएगा। बहुत ही फटाफट विंडोज़ ओपन हो जाएंगी और अगली लेवल ओपन खेलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये सारे डिफरेंस एक SSD और HDD में होते हैं। उम्मीद है आपको SSD वर्सेस HDD समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।